मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज आमराज एंड वेलकम टू माय ज्ञान किचन एजुकेशन क्लियर चैनल। सो टुडे आई वांट टू टीच यू द रिमेनिंग पैराग्राफ ऑफ योर लिटरेचर बुक दैट नेम ऑफ फर्स्ट फ्लाइट बुक ऑफ क्लास 10। सो आवर चैप्टर वाज अ लेटर टू गॉड। सो अ लेटर टू गॉड द रिमेनिंग पैराग्राफ टुडे आई विल एक्सप्लेन यू। सो प्लीज कंसंट्रेट। The passage of English language has given in your book. So, what will be Hindi in this passage? What is the meaning of this passage of sentences? So, please everyone, everyone concentrate on it. Okay? So, इसके पहले मैंने आपको डील कर दिया था दो पैराग्राफ के बारे में बता दिया था, तो क्यों ना उस दूसरे वाले पैराग्राफ के आधे पोर्शन को मैं फिर से थोड़ा रिपीट करके बता देना चाहता हूँ। तो मैंने बताया था कि जहाँ लास्ट वो हम लोग का हुआ था कि रेंचो जब उसकी पत्नी उसे खाना खाने के लिए बुलाती है तो वह जाता है खाना खाने के लिए और उसके पहले उसके बॉडी पर कुछ बारिश की बूंदें गिरती हैं जिसको देखकर वो काफ़ी खुश रहता है। फिर वो बूंदे और थोड़ी थोड़ी और बढ़ जाती है तो उसको देख के इतना खुश रहता है कि वो कहता है कि ये बारिश की बूंदे नहीं है बल्कि यह जो बारिश की बूंदे हैं ये क्या है, ये एक प्रकार का मेरे लिए सोने का सिक्का है, ऐसा रेंचो अपने फैमिली से कहता है। अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। लिखा है विद ए सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन, विद ए सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइट कॉर्न, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइट कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। कह रहा है कि विद ए सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि के एक्सप्रेशन के साथ, संतुष्ट के साथ, संतुष्टि भाव के साथ ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइट कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। तो उसने अपने खेत के फसलों को फूलों के चादर से लदा हुआ देखा। कह रहा है कि जब बारिश की बूंदे उसके बॉडी पर पड़ता है तो उसको देख करके उसके दिमाग में खुशी से फूले नहीं समाता है और उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसके खेत में जो फसल है ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बरसात की चादर से ढका हुआ, मतलब ऐसा लग रहा है बरसात के पानी से मेरा खेत जो है ढक जाएगा। ये खुशी उसको काफी ज्यादा खुश कर रही है। ड्रैप इन ए कर्टेन ऑफ रेन बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। कह रहा है लेकिन अचानक से एक तेज हवा के साथ एक आंधी बहने लगती है और उस आंधी के साथ साथ जो बारिश होती है वह बारिश की बूंदों के साथ साथ कुछ ओले गिरने लगता है, मतलब कि कुछ बर्फ गिरने लगता है। लेकिन ये ओले एक प्रकार के चांदी के सिक्कों की तरह दिख रहे थे। एक्सपोजिंग themselves टू द रेन, रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स द वॉल्स। मैं फिर से पढ़ता हूं। लिखा है दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर पॉइंट्स, दीज ये सब ट्रूली डिड ऐसा लग रहा था, सच में ट्रूली डिड रिजेंबल नाउ सिल्वर पॉइंट्स, सच में ऐसा लग रहा था कि ये जो है वह एक सिल्वर पॉइंट से क्या है, सिल्वर पॉइंट्स के जैसा है। वो जो सिक्के जो मतलब ओले गिर रहे थे वो ओले एक प्रकार के उस लेंचो के बच्चों को एक सिल्वर पॉइंट्स जैसा लग रहा था, एक इतने इतने बड़े बड़े सिल्वर पॉइंट्स गिर रहे ऐसा लेंचो के बच्चों को लग रहा था। The boys exposing themselves to the rain, बच्चे बारिश की परवाह किए बगैर ran out to collect the frozen pearls, और वह बारिश की परवाह किए बारिश में ही दौड़ते हुए जाने लगे। ठीक है, किस लिए, वो जो पर्ल्स गिर रहा था, जो चांदी के सिक्के गिर रहे थे, जो मोतियां गिर रहा, जो ओले गिर रहे थे, उन लोग ऐसा लग रहा था कि ये कुछ सिक्के गिर रहे हैं, कुछ मोती गिर रहे हैं, लेकिन जो गिर रहा था, वो जो ओले गिर रहा था उसको कलेक्ट करने के लिए ये लोग बच्चे दौड़ दौड़ के जा रहे थे।
It's really getting bad now, exclaimed the man. इतने में लैंचो ने कहा, यह तो बहुत बुरा हो रहा है. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. इसी पर लैंचो को किसी आदमी ने कहा कि यह जो गिर रहा है यह अच्छा नहीं है. यह तुम्हारे खेतों के लिए बहुत बुरा है और यह जो गिर रहा है वो जल्दी थमने वाला भी नहीं है. इट डिड नॉट पास क्विकली. यह जल्दी थमने वाला, जल्दी पास होने वाला नहीं है, मतलब घटने वाला नहीं है. फॉर एन आवर, यह एक घंटा तक. द हिल रेन्ड ऑन द हाउस, और एक घंटा तक वह वर्षा लगातार होती रही लैंचो के घर पर, मतलब उस वैली में, उस घाटी में वर्षा लगातार होती रही. द गार्डन गार्डन द गार्डन द हिलसाइड द कॉर्नफील्ड ऑन द हुक, पूरे घाटी में, गार्डन में, मक्के के खेत में, पहाड़ों के किनारे, सब गार्डन में और सभी जगह पूरा का पूरा हिल स्टोन फैल गया, ओले फैल गए. ओले का एक प्रकार से चादर बन गया, उजला उजला, सफेद सफेद, वाइट वाइट. द फील्ड वॉज वाइट, खेत पूरी तरह से उजला हो गया था. एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरे खेतों पर नमक का चादर उड़ा दिया गया हो. नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्तियां नजर नहीं आ रही थी. सारे पत्तियां जो है वो सारे पत्तियां उस बर्फ की चादर से ढकी हुई थी. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो फसल था वो पूरी तरह से नष्ट हो गया था. द फ्लावर्स वेयर बोर्न फ्रॉम द प्लांट्स, और पौधे, जो पौधे थे वो सारे के सारे पौधे बर्फबारी से, ओले से पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके थे, पूरी तरह से नीचे जमीन में सो चुके थे, जमीन में दम कर चुके थे. लैंचो साउंड वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लैंचो का हृदय दुखों से भर गया. वास्तव में देखा जाए तो लैंचो जो था वो क्या चाहता था, वो चाहता था कि उसके खेतों में बारिश में फसल अच्छे हो गए, फूल लगे, फल लगे, ताकि वो अपने अगले साल का बिजनेस कुछ कर सके, अपने खेतों में उगाए गए पौधों से अपना जीवन यापन कर सके, आने वाले अगले वर्ष में वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके, अपने परिवार को खुश रख सके. तो उसके लिए क्या चाहिए था, उसके लिए उसके फील्ड में रेनफॉल चाहिए था, जो कि रेनफॉल नहीं मिल पाया. तो जब बारिश की पहली बूंदे गिरी तो उसे ऐसा लगा कि बहुत खुशी एहसास हो, उसे लगा कि मेरी बहुत दिन के जो प्रतीक्षा था, बहुत दिन का जो वेटिंग टाइम था, अब वो खत्म हो रहा है, ये सोचकर तो वह खुश हो गया. लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक उसके पास नहीं रह पाई, क्योंकि बारिश तो हुआ लेकिन बारिश होने के कुछ ही देर बाद इतने ओले पड़ने लगे कि वो ओले पूरे खेतों में, फील्ड में, गार्डन में, बगीचों में, पहाड़ों के किनारे सभी जगह फैल गए. और ओले फैल जाने पर पूरे के पूरे फसल को बर्बाद कर दिया. अगर वो ओले नहीं फैलते तो लैंचो का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन अब पूरे के पूरे ओले फैल गए और लैंचो के फसल को बर्बाद कर दिया. लैंचो अब सोच रहा था, इसके आगे का कहानी है. लैंचो अब सोच रहा था कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, और वह काफी दुखी हो गया कि मैं अब साल भर कैसे खाऊंगा, साल भर मेरा परिवार कैसे चलेगा, साल भर मेरा भरण पोषण कैसे हो. तो मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम रिक्वेस्टिंग यू, सो प्लीज कंसंट्रेट ऑन नेक्स्ट स्टोरी. एंड टुडे ऑन दिस पैराग्राफ आई स्टॉप माय स्टोरी, एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन इट. ओके, सो थैंक यू.